सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा 5G स्मार्टफोन, इसका अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने कर दिया है और उस वीडियो में मैंने आपको इस हैंडसेट के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको खास करके इस हैंडसेट के इन डेप्थ परफॉर्मेंस के बारे में बताने वाला हूँ। देखते रहिए। ये जो सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा 5G स्मार्टफोन जो है, इसे इस प्रकार से बनाया हुआ है कि ये एपिक हो हर एक तरीके से। वैसे ये 5G एनेबल्ड है और फिलहाल तो 5G इंडिया में आया नहीं है और मुझे लगता है कि 2021 में आ जाएगा, लेकिन ये फ्यूचर रेडी है और जब कभी 5G आएगा और आप 5G के साथ में इस स्मार्टफोन का उपयोग करेंगे तो जो परफॉर्मेंस है वो एक अलग ही लेवल पर जाने वाला है। आपको हाइपर परफॉर्मेंस मिलने वाला है 5G के साथ में। ये जो स्मार्टफोन है ये हाइपर लोडिंग, हाइपर स्क्रॉलिंग और हाइपर एफिशिएंट बनने वाला है। सैमसंग ब्रांड लीडर है 5G टेक्नोलॉजी में और इनके जितने भी लाइनअप्स हैं ये सारे के सारे 5G रेडी होंगे। चलिए अब मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा के परफॉर्मेंस के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एपिक कैमरा के साथ में। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है इसका उपयोग करके आप 8K वीडियोज़ शूट कर पाएंगे। 8K मतलब कि जो 4K रेजोल्यूशन है उसका डबल। और जब कभी आप 8K रेजोल्यूशन में शूट करते हैं और अगर आपको कुछ फुटेज को क्रॉप करना है तो जो क्वालिटी है आपको बढ़िया मिलने वाली है नो लॉस के साथ में। वैसे अगर आप लैंडस्केप वीडियोग्राफी कर रहे हैं या फिर अगर आपको कोई ऐसा शॉट शूट करना है जहाँ पर बहुत सारा डिटेल्स है तो बेहतर होगा कि आप 8K में शूट करें। 8K रिकॉर्डिंग के समय अगर आपको स्टिल फोटोज़ खींचना है तो आप कर सकते हैं, या फिर रिकॉर्डिंग के बाद, ये देखिए ये जो वीडियो है 8K में शूट किया हुआ है, रिकॉर्डिंग के बाद जब मैं इसे प्ले करता हूँ तब भी मैं जो स्टिल फ़ोटो है उसे शूट कर सकता हूँ, ये देखिए। और स्टिल फ़ोटो की जो क्वालिटी है काफ़ी इम्प्रेसिव है। वैसे तो इस हैंडसेट में एक क्वाड कैमरा सेटअप दिया हुआ है और जो प्राइमरी कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल का है। जितना ज़्यादा मेगापिक्सल होगा उतना ज़्यादा डिटेल्स कैमरा कैप्चर करने वाला है। अगर आपने कभी 64 मेगापिक्सल का उपयोग किया होगा और अगर आप 64 मेगापिक्सल वर्सेस 108 मेगापिक्सल को कंपैरिजन करें तो आपको जो फ़र्क है वो तुरंत ही समझ में आ जाएगा। 108 मेगापिक्सल की जो क्वालिटी है वो एक अलग ही लेवल की है। और अच्छी बात यह है, एक बार आपने जो स्टिल फोटोज़ है उसे 108 मेगापिक्सल में शूट किया, उसके बाद में आप क्रॉप कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर पोर्शन को यूज़ कर सकते हैं, जो क्वालिटी है लॉसलेस होने वाली है। इसके अलावा एक और एपिक फीचर है 100x स्पेस जूम। वैसे ये पहला स्मार्टफोन है सैमसंग की तरफ से जिसमें डुअल टेलीफोटो लेंस का उपयोग किया गया है। आमतौर पे जो स्मार्टफोन्स होते हैं उनमें एक टेलीफोटो लेंस दिया होता है, लेकिन यहाँ पर दो टेलीफोटो लेंस दिया हुआ है। तो ये जो डुअल टेली जूम लेंसेज है उसमें से जो एक लेंस है वो 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है और जो दूसरा लेंस है वो 10x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है। और जब कभी आप जूम करते हैं तो इन दोनों लेंसेज का यूज़ होता है और इसके कारण जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया होती है, जो जूम क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया होती है। इस कैमरा में डायरेक्टर्स व्यू करके ऑप्शन दिया हुआ है, उसे सेलेक्ट करते ही ये देखिए इस प्रकार का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर ये जो थंबनेल आप देख रहे हैं ये बेसिकली जूम कैमरा है और ये है नॉर्मल और ये है वाइड एंगल, और देख सकते हैं कि अकॉर्डिंगली आप स्विच कर सकते हैं और आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि जो सब्जेक्ट है वो किस प्रकार से फ्रेम हो रहा है इन कैमरास के साथ में। तो आप आसानी से इस प्रकार से स्विच कर सकते हैं और ये जो फीचर है खास करके बहुत ही काम में आता है क्योंकि आपको एडिटिंग में ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ये देखिए ये है वी लॉगर व्यू, यहाँ पर जो थंबनेल है यहाँ से आपको आइडिया मिल जाता है कि जो पर्टिकुलर कैमरा है, लेंस है, वो किस प्रकार से सब्जेक्ट को कवर कर रहा है और आप स्विच भी कर सकते हैं। तो वी लॉगर्स के लिए ये जो फीचर है बहुत ही काम में आ सकता है। और इसके अलावा आप जो फ्रेम है इसे स्विच कर सकते हैं इस प्रकार से, और देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, अगर आपको पिक्चर इन पिक्चर ऑप्शन चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। और ऑफकोर्स आप जो कैमरा है उसे स्विच कर सकते हैं, कैमरा लेंसेज, और ये जो पिक्चर इन पिक्चर ऑप्शन है इसे भी आप मूव कर सकते हैं आपको जहाँ पर चाहिए, अकॉर्डिंगली आप इसे सेट कर सकते हैं। चलिए अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ये जो सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा स्मार्टफोन जो है ये 5G इनेबल्ड है और जैसा कि मैंने आपको बता दिया 5G के साथ में हाइपर लोडिंग, हाइपर स्क्रॉलिंग और हाइपर एफिशिएंसी आपको मिलने वाला है। और जहां तक फाइल डाउनलोडिंग का सवाल है, 5G के साथ में आप ब्लेजिंग फास्ट स्पीड से फाइल्स को डाउनलोड कर पाएंगे और खास करके बिंज वॉचिंग के लिए ये जो 5G है बहुत ही काम में आने वाला है। वैसे जो स्मार्टफोन है इसमें सैमसंग एक्जिनोस 2100 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। अब इसका परफॉर्मेंस कैसा है? वैसे एक्जिनोस 2100 में 5nm प्रोसेसर का उपयोग किया गया है और अगर मैं इसे 7nm के साथ में कंपैरिजन करूं तो CPU का जो परफॉर्मेंस है ये 20% इम्प्रूव्ड है 5nm में, और GPU परफॉर्मेंस तकरीबन 33% बेहतर होगा, AI प्रोसेसिंग 2x बेहतर होगा और NPU
5.3 टाइम्स बेहतर होगा। NPU मतलब न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इन जनरल ये जो Exynos 2100 है इसका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बेहतर है और ये पावर एफिशिएंट भी है। और अच्छी बात ये है कि ये जो चिपसेट है ये ज़्यादा हीटअप भी नहीं होता है। ओवरऑल 7nm के कंपैरिजन में आपको 10% बेहतर परफॉर्मेंस मिलता है और 20% लोअर पावर कंज्यूम करता है। इसमें 8-कोर ट्राई क्लस्टर आर्किटेक्चर का उपयोग किया गया है जिसमें ARM Cortex A1 है 2.9 GHz का, 3 हाई परफॉर्मिंग A78 Cortex है 2.8 GHz के और 4 पावर एफिशिएंट A55 Cortex जिन्हें 2.2 GHz पर क्लॉक किया हुआ है। ये देखिए, ये है गीक बेंच 5 स्कोर और ये जो स्कोर है इसे देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये जो चिपसेट है कितना पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है। इनफैक्ट मैं कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेल के आपको बताने वाला हूँ, उससे आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा, लेकिन डेफिनेटली जो बेंचमार्क स्कोर है ये बता रहे हैं कि जो चिपसेट है बढ़िया है, पावरफुल है। इसके पहले कि मैं आपको गेम्स खेल के बताऊँ, जो डिस्क स्पीड है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो रिजल्ट्स है काफ़ी इंप्रेसिव हैं और ख़ास करके जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसके लिए जो डिस्क स्पीड है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो रीड स्पीड है ये है 1.2 GB पर सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, GB पर सेकेंड, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। और जो राइट स्पीड है वो है 649 MB पर सेकेंड। तो जो रीड और राइट स्पीड है एकदम प्रो लेवल की है, बहुत ही फास्ट है। चलिए मैं आपको ये जो कॉल ऑफ ड्यूटी गेम है ये थोड़ा सा खेल के बता देता हूँ। देख सकते हैं कि जो ग्राफिक्स की क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है, बहुत ही स्मूथली चल रहा है, कोई भी लैग नज़र नहीं आ रहा है और जो हीटअप है वो भी काफ़ी कंट्रोल में है, बिल्कुल भी हीटअप नहीं हो रहा है। तो हाई एंड गेम्स के लिए ये जो चिपसेट है बढ़िया है। इसमें 5000 mAh की बैटरी है जो कि आपको आसानी से 1 से 1.5 दिन का बैटरी लाइफ दे सकती है। ये वायर्ड सुपरफास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है और वायरलेस पावर शेयर भी सपोर्ट करता है। मतलब कि ये जो डिवाइस है इसका उपयोग करके आप वायरलेसली दूसरे डिवाइसेस को चार्ज कर पाएंगे। वैसे बॉक्स के अंदर चार्जर तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने 25 वाट का जो चार्जर है फास्ट चार्जर सैमसंग का ही, उसका उपयोग करके इस सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा 5G स्मार्टफोन को चार्ज किया था। बैटरी 17% पे था और उसे चार्ज करने के लिए 100% तक मुझे लगे तकरीबन 1 आवर के आसपास। और इस दौरान जो बैटरी टेम्परेचर है वो मैक्सिमम 37 डिग्रीज तक पहुँचा था, जो कि काफ़ी कंट्रोल में है। और दोस्तों मैंने गेमिंग टेस्ट भी किया है। यहाँ पर एक चीज़ नोट करना है कि ये जो गेमिंग टेस्ट है इससे सैमसंग Exynos 2100 का जो परफॉर्मेंस है ऑफकोर्स उसके बारे में तो हमें जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है। और क्योंकि ये जो चिपसेट है बहुत ही एफिशिएंट है, परफॉर्मेंस भी बढ़िया देता है और पावर एफिशिएंट भी है, तो जो बैटरी ड्रॉप है कितना होता है वो भी हम टेस्ट करने वाले हैं। बैटरी लेवल 98% पे है और टेम्परेचर 32 डिग्रीज पे है। तो ये देखिए गेम शुरू हो चुका है और ये जो गेम है मैं काफ़ी देर तक खेलने वाला हूँ, कॉल ऑफ ड्यूटी गेम है। वैसे हार्डवेयर बहुत ही पावरफुल है और ये जो गेम है डेफिनेटली इस पर बहुत ही स्मूथली चलने वाला है। तो ये लीजिए गेम शुरू हो चुका है। वैसे ये जो हैंडसेट है ये 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ में आता है, तो जो गेमिंग परफॉर्मेंस है आपको बहुत ही स्मूथ मिलने वाला है। खास करके डिपेंड करता है कि जो गेम आप खेल रहे हैं वो ज़्यादा रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है या नहीं। तकरीबन 15 मिनट से ऊपर हो चुका है और अब मैं जो गेम है उसे एंड करता हूं और जो परफॉर्मेंस है वो चेक करते हैं। तो जो बैटरी लेवल है वो पहुंच गया है 93% पे और जो टेम्परेचर है 36 डिग्रीज पर पहुंच गया है बैटरी टेम्परेचर। हीटअप नहीं हुआ है और जो बैटरी परफॉर्मेंस है मतलब कि जो बैटरी ड्रॉप है वो भी काफ़ी अच्छा है, तकरीबन 5% ड्रॉप है 15 मिनट्स का गेम प्ले में, कॉल ऑफ ड्यूटी गेम। तो जैसे कि आपने देखा गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा और जो हैंडसेट है बिल्कुल भी हीटअप नहीं हुआ है। तो गैलेक्सी S21 अल्ट्रा एपिक कैमरा और एपिक परफॉर्मेंस के साथ में आता है। इसके अलावा इसका जो डिज़ाइन है ये भी एपिक है। इस पर आइकॉनिक न्यू कॉन्टोर कट कैमरा डिज़ाइन का उपयोग किया गया है जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से जो फ्रेम है मेटल फ्रेम उसके साथ में जो कैमरा का मॉड्यूल है वो ब्लेंड हो जाता है। इसके अलावा आपको लग्जरियस हेज फिनिश मिलता है रियर साइड पर और वहाँ पर आपको कोई भी स्मजेस नहीं मिलने वाले हैं, जो फिंगरप्रिंट के धब्बे हैं बिल्कुल भी लगने वाले नहीं हैं। तो एक तरह से क्लीन मैट ब्लैक फिनिशिंग आपको मिलता है हर बार। ये दो स्टनिंग कलर ऑप्शंस में अवेलेबल हैं, फैंटम ब्लैक और फैंटम सिल्वर। इस स्मार्टफोन पर गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का उपयोग किया गया है जो कि एक तरह से टफेस्ट ग्लास है स्मार्टफोन्स पर। और ये जो ग्लास है न सिर्फ आगे की तरफ बल्कि पीछे की तरफ भी उपयोग किया गया है। डिस्प्ले की क्वालिटी भी एपिक है। ये 6.8 इंचेस के डायनेमिक एमोलेड 2X स्क्रीन के साथ में आता है, सुपर स्मूथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है और रेजोल्यूशन
WQHD प्लस के साथ में आता है। कलर क्वालिटी इम्प्रेसिव है और जो ब्राइटनेस है ये भी ऑसम है। वैसे इसका जो ब्राइटनेस है ये 1500 निट्स है। आमतौर पे जो दूसरे स्मार्टफोन्स होते हैं उनका जो ब्राइटनेस है ये ऑलमोस्ट 500 के आसपास होता है, लेकिन यहाँ पर 1500 निट्स ब्राइटनेस है। इससे आप समझ गए होंगे कि आउटडोर कंडीशन में, खास करके कड़ी धूप के नीचे, इसका जो स्क्रीन है ये कितना ब्राइट हो सकता है। तो दोस्तों, ये है सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा 5G स्मार्टफोन, और इसका उपयोग करने के बाद आपको हर एक चीज़ एपिक लेवल की मिलने वाली है। तो आप इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं, आज ही प्री बुक कीजिए। सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा 5G स्मार्टफोन का प्राइसिंग है 1,05,999 रुपीज़। अगर आप चाहें तो इसे EMI पर भी ले सकते हैं, 12 मंथ्स के EMI पर 8,833 रुपीज़ के आसपास आपको पड़ जाएंगे पर मंथ। और प्री बुकिंग करने पर आपको कुछ गिफ्ट्स भी मिलने वाले हैं, फ्री गैलेक्सी स्मार्ट टैग और साथ में गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2, ये आपको सिर्फ 999 रुपीज़ में मिल सकता है। तो दोस्तों, स्मार्टफोन के अलावा जो ऑफर्स है ये भी एपिक टाइप के हैं। अधिक जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।